उत्तर प्रदेश के बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यातायात माह मनाया गया है। इस दौरान ही 25 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला मनाई गई, जिससे स्कूली बच्चे और आशाएं और कर्मचारीगण शामिल हुए। मानव श्रृंखला बनाकर स्कूली बच्चे सड़क सुरक्षा को लेकर बता दें कि बोलते हुए नजर आए जिलाधिकारी राजकमल यादव ने सबसे पहले सभी को शपथ दिलाई और सभी स्कूल के बच्चों और आशाओं और कर्मचारियों का हौसला अफजाई किया। मानव श्रृंखला के दौरान जिलाधिकारी राजकमल यादव, एसपी नीरज जादौना, डीएसपी तेजपाल सिंह चौहान, एएसपी मनीष मिश्रा सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। प्राइमरी के न्यूज शनि के लिए वीरेंद्र तोमर, बागपत, उत्तर प्रदेश। देखिए, आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में हम लोग सुरक्षा सड़क पर सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात माह मना रहे हैं, और उसमें एक अच्छा संदेश देने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे जो है वो एक सशक्त माध्यम होते हैं संदेश देने के लिए, तो उनके माध्यम से और हमारे सभी जो भी जनपद के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हमारे जनपदवासी हैं, उनकी एक मानव श्रृंखला बनाई गई है जो मवी क्लास से लेकर शाहपुर बलौरी तक लगभग 25 किलोमीटर की है। और इसमें एक जो समाज के जो संदेश है कि सभी लोग सड़क पर सुरक्षित चलें, हेलमेट का प्रयोग करें, ड्रिंक एंड ड्राइविंग में ना चलें, जब भी दोपहिया वाहन पर जा रहे हैं तो दोनों यात्री हमारे हेलमेट लगाएं, साथ ही जब भी चार पहिया वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। तो ये पूरा एक संदेश एक सुरक्षित प्रदेश के रूप में मनाने के लिए हम लोगों ने समाज में दिया है, और उसकी मानव श्रृंखला के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। किस समय शुरू हुई थी और किस समय? ये लगभग 11 बजे से स्टार्ट हुई है और अभी मेरे ख्याल से मोटा मोटा 1 बजने वाला है, तो करीब 2 घंटे हो गए इसको चलते हुए। धन्यवाद।